बहुत हैरान रहा, अभी ये मोबाइल पे कनेक्ट हो रहा है और स्पीड आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मतलब से देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब जो है अलग था मतलब, लेकिन फिर भी जो है अगर हमने गूगल अर्थ में प्रॉपरली मापा था और जो लोकेशन हम हैं जहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है, लाइन से हम थोड़ा सा लेफ्ट में थे, देखो यहाँ पे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 45 Mbps की। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे नामधरी इन्फोटेक से, मैं जगताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे CP710 ट्रिपल लिंक राउटर की। तो ये 5 GHz का राउटर है, ये पॉइंट टू पॉइंट और मोबाइल वे में कनेक्ट हो जाता है। कुछ इसमें पार्ट्स जो मिल रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये POE स्विच है जो कि 24 वोल्ट का होता है, इसमें लैन पोर्ट कंप्यूटर या स्विच पर लगता है और POE पोर्ट राउटर को लगता है, और इसमें इवन जो है वाटर लेवल भी है इसमें, और इसका जो लॉक है लैन केबल को जो है हमें होल वाली तरह रखना पड़ता है और इस तरह से लग जाता है। बैक साइड में इसको माउंट करने के लिए जो होल्डर आता है वो बहुत अच्छा है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लैन केबल निकालने के लिए इसकी कैप भी रहती है ताकि ये पानी वहाँ पर ना जाए। और बात की जाए इसके साथ, हमारे पास एक पूरा पोल माउंट जो है माउंटिंग किट मिल जाती है। लगाने के लिए हमारे को लैन केबल जिस तरफ जाती है उस तरफ छेद को की तरफ को डालना पड़ेगा। पूरा सामान इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्लेट्स हैं जिसको एंटीना बोलते हैं उसे निकाल लेते हैं, और ये लाइट बीम की तरह है, ग्रिड नहीं है, और इसमें जो है इस तरह से लॉक हैं, उसको ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाएंगे और लॉक हो जाएंगे और टिक टिक की आवाज़ भी आती है। उसके बाद बैक साइड में इसके स्क्रू लग जाएंगे जहाँ पे 4 होल रहते हैं जो कि पैकेट में साथ में आए थे, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे इसलिए हमने नहीं लगाए। और इस तरह से जो लाइट्स हैं उसके जो पुट हैं वो नीचे को रहेंगे लाइट को, और इस तरह से बैक साइड से जो है ये लग जाएगा। प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा ज़ोर से दोनों साइड से ताकि ये इसके लॉक जो है आगे तक जो है निकल जाएँ, और फिर हम वाटर लेवल को भी प्रॉपरली देख के यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो होल्डर है हमें बैक साइड पर लगाना पड़ेगा ताकि जब हम इसको पोल में माउंट करें तो इसको ऊपर नीचे हम प्रॉपरली कर सकें। पोल से हम लेफ्ट राइट तो कर ही सकते हैं, तो इस तरह से सेटअप हमने शॉप पे लगाया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सिप टिपलिंग 710 को जो है AP बना दिया है AC टेक्नोलॉजी में, और आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रही हैं। मैं बहुत हैरान रहा, अभी ये मोबाइल पे कनेक्ट हो रहा है और स्पीड आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मतलब इतनी स्पीड मेरी लैन पे नहीं आ रही जितनी मतलब जो है इसने वाईफाई पे दे दी है, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मतलब बहुत हैरान हूँ मैं। 117 Mbps की डाउनलोडिंग और लगभग 120 Mbps की अपलोडिंग, और ये मोबाइल में बिल्कुल गोली की तरह चल रहा है और पिंग भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब हम देखेंगे ये कितनी दूर तक वाईफाई पहुँचा पाएगा हमारे को। हम कहीं दूर जाएंगे, वहाँ जाके चेक करेंगे, इसको अपने मोबाइल पे कनेक्ट करेंगे और फिर एक्सेस करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो दोस्तों। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए चलते हैं अब हम कहीं दूर। ये इसकी रेंज कितने किलोमीटर दूर तक है वो जाके चेक करते हैं। और अब जो है हम एक बार इसका प्रॉपरली सेटअप आपको बता देते हैं कंप्यूटर में कैसे किया। सबसे पहले हमें जो अपना कंप्यूटर है वो 0 वाली सीरीज़ में करना पड़ेगा, उसका IP एड्रेस 0 वाली सीरीज़ में रखना पड़ेगा, क्योंकि राउटर का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.0.254 है। तो हमारा जो नेटवर्क एड्रेस था वो 1 वाली सीरीज़ में था, इसलिए हमने कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए 0. कुछ दे दिया, 254 नहीं दिया। तो इस तरह से एडमिन और एडमिन जो है डिफ़ॉल्ट रहता है। कंट्री हम US सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें पावर जो है वाईफाई की वो ज़्यादा है, हमारे इंडिया में शायद थोड़ी कम रहती है, हमें देखा नहीं, लेकिन USA हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें हमारे को हर तरह के ऑप्शन जो है इनेबल हो जाते हैं। तो एडमिन 123 हमने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम क्विक सेटअप पे चले जाएंगे, AP एक्सेस पॉइंट बनाएंगे और इसको 1 वाली सीरीज़ में कर देंगे ताकि हम अपने लैन नेटवर्क में ही इसे एक्सेस कर सकें, ताकि नेट भी चलता रहे और साथ में इसको हम कहीं और भी एक्सेस कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें 3 बैंड जो है नॉर्मल N सीरीज़ भी ऐसी भी है। तो हम फिलहाल जो है पासवर्ड है WP2 सेट करके नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। अब जो है हमारे मोबाइल पे भी कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने आपको स्पीड चेक कराई थी बहुत ज़बरदस्त है, और अब हम नेटवर्क जो है इसमें एक्सेस कर सकते हैं अपने 1 वाली सीरीज़ में, और ये रेडी हो चुका है अब हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। फिलहाल जो है हम इसको एक बार दो बार ओपन करके देख लेते हैं अब। बट हमें एक चीज़ जो है ज़रूर करनी है, फीड ओनली है तो इसमें जो पावर है वो 23 dBm एंटीना जो है हमारा है, यानी कि हमने इसमें लगा दिया है, तो उसको सेव कर देंगे, उसके बाद ही जो है इसमें पावर बढ़ेगी। और लैन इसका 100 Mbps आ रहा था तो हमें थोड़ी हैरानी थी, तो हमें चेक करना था इसकी वेबसाइट में जाके और भी फीचर हमारे को देखने को मिले, और साथ में हमने इसकी स्पेसिफिकेशन में जाके बकायदा देखा भी, इसमें 1 Gbps का लैन पोर्ट है, यानी कि अगर हम ज़्यादा 200-300 Mbps का प्लान यूज़ करते तो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सेटअप अपने घर में कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे थे कहाँ तक हम जा सकते हैं, और हम जो है पिछली पहाड़ी तक जा सकते हैं, ये हमने पूरा चेक किया। और चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं पहले दिन से। पहले दिन हमने शुरुआत की भी, हम एक जगह पे पहले हम पार्किंग में गाड़ी लेके लेने के लिए, वहाँ पे हमने बैक साइड में भी यूज़ किया, 50 मीटर बैक साइड में भी KBPS में स्पीड आ रही थी, और लेफ्ट साइड रोड पे लगभग 12-15 Mbps स्पीड आ रही थी, इनकी सर्कल में भी रहता है।
और आगे को भी चेक कराएंगे। फिलहाल हम खलियार में पहुंच चुके हैं, वहां पे हमने जो है एक टेस्ट किया है जिसमें लगभग यहां पे पहले हमें सेटअप करना पड़ा, अलाइनमेंट करनी पड़ी और क्लाइंट जो एक्सेस पॉइंट राउटर था उसे हमें यूज़ करना पड़ा। तो यूज़ करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा राउटर लेके गए थे साथ में, लेकिन जब इसको एक्सेस पॉइंट बना लेते हैं तो इसका वाईफाई नाम और पासवर्ड आना शुरू हो जाता है, तो वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर अक्सर एपी क्लाइंट राउटर WISP हम सेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फीचर हमारे को मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक खुद से आईपी एड्रेस बांटना शुरू कर देता है। हमें नहीं चाहिए था ऐसा भी हम एक नेटवर्क जो है कंबाइन बनाए, हमें बस इसको कनेक्ट करना था क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप एपी राउटर या क्लाइंट मोड कर सकते हैं ताकि आप जो है फिर मेन राउटर से ही जो आईपी एड्रेस आएगा उसे आप आगे भी यूज़ कर पाएँ, पूरा नेटवर्क सेम क्रिएट हो। और डायनेमिक रखा हमने वैन, और उसके बाद जो सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जितने भी 5 GHz के पॉइंट थे वो हमारे यहाँ पे शो हो गए। जो हमारा एक्सेस पॉइंट था उसको जो है हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसका जो पासवर्ड हमने सेट किया था भाई, और उसको क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरह से लॉक टू AP भी कर दिया ताकि इसी से कनेक्ट हो, और जो हमने इसका एक एक्सेस पॉइंट भी बना दिया क्योंकि WISP में ऑप्शन होती है ना भाई, इसमें एक राउटर भी बन जाता है साथ में, जो पीछे से कनेक्शन आ रहा है वो वैन की तरह से काम करेगा, यानी कि उसका IP address अलग सीरीज़ में रहेगा और इसका अलग सीरीज़ में रहेगा। अब ये 0 वाली सीरीज़ में हमारे को एक DHCP सर्वर की तरह IP address प्रोवाइड करा रहा है। तो इस तरह से सेटिंग थी, और इसका भी जो है फीड ओनली वाली ऑप्शन थी वो हमें करनी पड़ती चेंज एंटीना के रूप्स में। और यहाँ पे हम लोग लगभग 2.9 किलोमीटर दूर हैं, जो कि हमने बकायदा जो है गूगल मैप पे भी चेक किया अपने एड्रेस से, और हमारा जो प्रॉपरली 2.9 जो है तो हम दूर थे मतलब। और इस तरह से हमारे मोबाइल में भी हल्की हल्की रेंज आ रही थी, लेकिन वाईफाई की इसकी पॉइंट मतलब मोबाइल में कितनी कवरेज दूर तक है वो सामने की तरफ लगभग 500 मीटर तक कवरेज है, लगभग 30-40 डिग्री में। और धीरे धीरे हम जब पिछली तरफ लेफ्ट और राइट में जाते हैं तो ये 15-20 MBPS जो है होने शुरू होती है, कम होने शुरू होती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में जब 50 मीटर। और यहाँ पे इसकी कोई फ़र्क ही नहीं था, मतलब इसमें जो स्पीड आ रही थी वो 13 MS आ रही थी, 100 MBPS का लैन था ना, पहले तो हमने 1 GBPS का लगाया था, बट अभी जो है हमने 100 MBPS का लैन लगाया हुआ है इसको, क्योंकि घर में हमारे पास स्विच 100 MBPS का है, तो वहाँ से लगभग हमारे को 91 MBPS स्पीड आ रही थी। ये हम लेके आए थे टेस्ट इसको सेटअप करने के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा जो एक्सेस पॉइंट ये खुद का वाईफाई ये दे रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे को पिंग भी मिला। देखो शॉप पे 10 MS था, यहाँ पे जो है 12 MS मिला, इतना ही फ़र्क पड़ा। फिर हम चले गए 3-4 किलोमीटर और आगे, और लगभग पहले दिन में हमने 2 जगह पर टेस्ट किया था क्योंकि हमने अलाइनमेंट की थी इधर को, तो यहाँ पे अभी अलाइनमेंट हमने इतनी अच्छी नहीं की थी क्योंकि हमने पिछली वहीं पे हमने सोचा था भी चलो थोड़ा ही चलेगा। जब हम दूसरी जगह गए तो ये 4.1 माइल दूर था हमारे मेन लोकेशन से, और आप समझ सकते हैं भी कितनी दूर होगा, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया तो लगभग 6.5 किलोमीटर दूर जो भी है बहुत अच्छा काम कर रहा था। अलाइनमेंट थोड़ी हमारी सही ढंग से इस तरफ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है 30-40 MBPS जो है हमारे को आयन किए, 30 डिग्री तक जो है वाइड एंगल में भी जो है इतनी स्पीड दे पाएगा। सिग्नल हमने जो है यहाँ पे कंबाइन चेक किया, आप अपने हिसाब से कंबाइन करके फिर उसके बाद अलाइनमेंट कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, और बहुत अच्छे से जो है इसमें प्रॉपरली जो है सिग्नल हम जैसे UBNT में हम टेस्ट करते थे वैसे इसमें भी जो है सारी सेटिंग हो जाती है, और बहुत अच्छा हमारे को जो है इसमें रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरह से हमारा जो है ये दूसरा दिन था जो कि हमने टेस्ट किया। नेक्स्ट डे जो है हम 35 किलोमीटर बाय एयर जो है मतलब वो जो पहाड़ नज़र आ रहा था ना शुरू में, तो वहाँ चले गए, जो कि लगभग 17 किलोमीटर जो है गूगल मैप पे जो हमने प्रॉपरली चेक किया था गूगल अर्थ पे भी। और यहाँ पे फिर हमने वही सेटअप जो है रेडी था, UPS था हमारे गाड़ी में, और एक्सेस मतलब जो है उसकी POV लगाई थी UPS के थ्रू, और यहाँ पे हम सेटअप करने वाले हैं। और यहाँ से तो अब जो है हमारा शहर नज़र भी नहीं आ रहा था, मतलब इतनी जो है धुंध थी और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, और इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ पे प्रॉपरली कर रहे थे और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि अलाइनमेंट करनी पड़ती है, और एक बार सही ढंग से अलाइनमेंट कर दो तो उसके बाद बहुत अच्छी स्पीड हमारे को मिलती है। तो थोड़ी सी हाइट भी हमने दी जितनी हमारे से मतलब जो है स्टैंड में थी, 9 फुट का स्टैंड था। और उसके बाद यहाँ पे जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो लगभग 87 dBm सिग्नल आया, फिर हमने जो है 82 dBm सिग्नल तक जो है इसको अचीव करने की कोशिश की, 87 dBm थोड़ा कम हुआ है तो इसमें 1-2 MBPS ही स्पीड मिली, लेकिन जब हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट सही ढंग से की तो 82 dBm तक भी सिग्नल आया, जो कि बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स दे रहा था। फिलहाल स्टार्टिंग में तो हमें 1-2 MBPS आई, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सीधे लगा दिया था। फिर जब हमने अलाइनमेंट वगैरह की, IP address तो अपने आप ही आ रहा था क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल क्लियर थी, बीच में कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, पहाड़ बिल्कुल ओपन थे खुले, और बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे को रिजल्ट आ रहे थे। देखो जब हम है ही इतनी हाइट पे तो थोड़ा बीच बीच में थोड़े थोड़े पहाड़ थे, तो इस वजह से शायद थोड़ा थोड़ा सिग्नल कट रहा था, तो हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ना था, तो ऊपर तो हमें फिर सामान लेके और UPS लेके जाना, मतलब जो है हमें लगा भी नज़दीक होगा पहाड़, दूर से देखने पे तो ईजी लग रहा था, बट यहाँ पे आके बाद में पता लगा भी
अभी बहुत ऊपर है। तो फिर जब हमें अलाइनमेंट बेस्ट करके कोशिश की तो 82 dBm में भी जो लगभग हमारे को 12-13 Mbps तक यहाँ पे अचीव हुआ। पिंग देखो कितना ही ज़बरदस्त है। अब बात आ रही थी भी ऊपर कैसे जाया जाए, तो बहुत ही ऊपर था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना था, तो इसलिए हमने कोशिश की, फिर हम पहाड़ के ऊपर गए थोड़ी देर, वहाँ पर जाके चेक करने की कोशिश की, लेकिन सेम ही सिग्नल यहाँ पर भी मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो भी हम आगे चले जाते हैं पहाड़ की अगली तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे को ज़्यादा अच्छा सिग्नल मिल सकता, क्योंकि एक तरह से अलाइनमेंट के देखा जाए तो सामने से ही होके ऊपर को जा रहा था सिग्नल। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट है, आपको चेक कराते हैं फिर क्या ज़बरदस्त रिजल्ट रहे, देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, साथ में सिग्नल टेस्ट आपको करा रहे हैं। यहाँ पे 40-50 Mbps स्पीड आ रही है, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर जो है हम यहाँ पे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त देखो यहाँ पे स्पीड आ रही है, क्या ही नज़ारे हैं और ज़बरदस्त हो रहा है आज तो, मतलब मेरे को यकीन ही आ रहा भी, वैसे एंटीना हिल भी रहा है लेकिन बहुत सही जो है यहाँ पे व्यू है। और हम सोच रहे थे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इस रोड साइड में भी हमारे को जो है यहाँ पे सिग्नल मिल गया। और देखो 45 Mbps की यहाँ पे बैंडविड्थ हुई है और अपलोडिंग भी 30-40 Mbps के आसपास आ रही है। तो दोस्तों 78 dBm सिग्नल यहाँ पे आ रहा है और स्पीड भी यहाँ पे देखो 195 Mbps की जो है इसमें बैंडविड्थ कनेक्ट हो चुकी है। थोड़ा सा इसको हाइट देंगे, अलाइनमेंट करते हैं, फिर देखते हैं और ज़्यादा बेटर हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी ट्राई करें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा अभी, पहले तो जो है मैं इसको लेफ्ट से राइट करूँगा, क्योंकि अभी कुछ उसके उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़िलहाल जो है मेरा ये देखो ये हो गया ना, तो 79 dBm है, यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, 85 dBm देखो ख़राब हो गया, 84 ठीक है, 81 के पहले यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, फोन को पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ हाथ में, इसको डीला कर देता हूँ, मैंने डीला कर दिया और यहाँ पे 79 है, अब इसको ऊपर करता हूँ, 82 नीचे कर देता हूँ, 81 और नीचे कर देता हूँ, 90 हो गया, 80। तो यहाँ पे लगभग जो है हमारे को 78-80 dBm तक सिग्नल हमारे को अचीव हुआ और बहुत ज़बरदस्त 45 Mbps तक जी स्पीड जो है यहाँ पे हम अचीव कर पाए। ये भी अलाइनमेंट के तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब जो है अलग था मतलब, लेकिन फिर भी जो है अगर हमने गूगल अर्थ में प्रॉपरली मापा था, और जो लोकेशन हम हैं जहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है लाइन से हम थोड़ा सा लेफ्ट में थे देखो यहाँ पे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 45 Mbps की स्पीड आ रही थी, और अगर प्रॉपरली लाइन में रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो है पूरी स्पीड हमारे को मिल सकती है। तो इस तरह से हमारी लोकेशन थी, आपने ये पूरी वीडियो देखी, यहाँ पे CP710 हमने लगाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, ज़बरदस्त है और लगभग 17 किलोमीटर जो है बाय एयर डिस्टेंस है और बाय रोड लगभग 40 किलोमीटर हम आ चुके हैं, ज़बरदस्त है मतलब ये प्रोडक्ट। और वैसे ये मोबाइल पर भी कनेक्ट होता है, तभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, और मोबाइल पे रेंज आपने देख ली, सारा कुछ लगा अच्छा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे हैं और आने वाले टाइम में भी आते रहेंगी, और कुछ ना कुछ जानकारी हम आपस में शेयर करते रहेंगे। बेल आइकन दबा दो, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, धन्यवाद, जय हिंद।